हेलो गाइस एंड भैसेस, एक सेकेंड, ये मेरा कैमरामैन पीछे सोया है। अरे सॉरी, गलत जगह हाथ लगा दे। चालू है टेक, गांडू सोया ये इधर ही। तो हम लोग गए थे उज्जैन, तो अभी हम आए तो कंगुआ का टीज़र का रिएक्शन नहीं दे पाए थे, तो आज मैं सोच रहा था कि इसको देते हैं। मैंने देखा, हालांकि बस में ही देखा था, बट आइए अब आप लोग के साथ देखते हैं। तो चलिए टीज़र लगाता हूँ। बाप रे बाप, मतलब एक एक फ्रेम का अलग अलग पैसा है यार। फिल्म की स्टोरी बकवास भी रही तो भी एक एक फ्रेम का अलग ही करिश्मा है। ब्रो इज गोइंग टू हिट 10 बाहुबली, 10 कांतारा, 10 RRR, 10 एवरीथिंग, क्योंकि एक एक फ्रेम बता रहा है कि यार ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस कराने वाला है। मैं शॉक्ड हूँ यार ऐसी कास्टिंग एंड ऐसी काम को देख के। हालांकि फिल्म बहुत स्ट्रगल की वापस से आने के लिए, दुनिया भर का पोस्टपोन्ड हुआ, दुनिया भर का डिले हुआ, बट चलो फाइनली अब आ रही है फिल्म। एंड जिस हिसाब से ये लोग बैक टू बैक अपना पोस्टर ग्लिम्स वगैरह सब ला रहे हैं, ये काफ़ी शॉकिंग है यार, काफ़ी शॉकिंग है। एंड इतना डेडिकेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि एक एक फ्रेम नकली नहीं लग रहा है। आप सोचो, ज़रा भी नकली नहीं लग रहा है। और देखने का जलवा जब इधर पर ऐसा है तो थिएटर में एक्सपीरियंस क्या ही लेवल पर होगा। रिसेंट टाइम पर मैंने ये बेस्ट टीज़र देखा है, बेस्ट। हालांकि ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा सा रहना चाहिए, तो और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि गूज़बम्स का पूरा माहौल आ ही गया था, कि बस थोड़ा और रहता तो आग लग जाती थी। बट यार ये मेरे लिए अमेजिंग टीज़र लगा, अमेजिंग। 10 से 20 बार देख लिया रहूँगा मैं। बट एक एक फ्रेम देख लो, एक्टर्स के डेडिकेशन देख लो यार, इतना मेहनत किया है और एक भी नकली ना लगना बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी। होप ये फिल्म हिंदी में भी आ रही तो उसका ढंग का प्रमोशन भी होए और ये चले भी यार, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मिस हो गया, ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो यार क्या ही किया यार। थिएटर के लिए पक्का वाला माल अब तक के लिए अभी यही आ रहा है समझ लो, क्योंकि इतना ढांसू लग रहा है। अब वही है कि शिवा है तो स्टोरी का क्या होगा वो देखते हैं, बट इतना समय ले रहे हैं तो मतलब आउटपुट कुछ ढंग का ही होगा, और बहुत ही ज़्यादा ढंग का होगा। और अगर ना भी हो तो विजुअल्स डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे। बॉबी देओल का ये अवतार देख लो, ऐसा लग रहा है कि एनिमल के बाद वो पागल ही हो गए। वो ऐसा सब काम ना करे तो ऐसा लग रहा है वो इंडस्ट्री में आए ही ना। और थैंक गॉड वो यही सब रोल कर रहा है, उसको देख के अच्छा भी लग रहा है। अगर वो सिंपल रोल करे तो गिनती भी नहीं होती उसके काम की, बट ये सारे काम एक उसका पहचान अलग कर दे रहा है भाई साहब। भाई सूर्या की बात करें तो यार उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। सो ओवरऑल टीज़र बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, अब तो इंतज़ार ही है फिल्म का। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एटलीस्ट 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं अपने। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मिलते अगले वीडियो में, बाय।